ब्यूटी ऑफ लिविंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे शुद्ध देसी घी, वो भी बिना मक्खन निकाले, घर की मलाई से। तो चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ करीब 1.5 किलो मलाई ली है। दोस्तों मैं हर रोज 2 किलो दूध से ऊपर मलाई की परत हटा लेती थी और इसे एक प्लास्टिक के बर्तन में कलेक्ट करती जाती थी। ये मलाई मेरी करीब 10-12 दिन में कलेक्ट हो गई है। मैंने बीच बीच में इसमें 1 चम्मच दही ज़रूर डाला है, ये डालना ज़रूरी है। इस तरीके से करके अब मलाई को हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। धीरे धीरे करके ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये मेल्ट होने लगेगी। इसे मेल्ट होने में करीब 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी मलाई पूरी तरह मेल्ट हो चुकी है। इस तरीके से इसका टेक्सचर आ गया है। इसे हमें लगातार चलाते रहना है। अगर आपने फ्लेम तेज कर दी है तो बहुत ही ज़रूरी है इसको लगातार चलाना, या तो आप लो फ्लेम पे इसको छोड़ सकते हैं थोड़ी देर को। ये देखिए इसमें उबाल से आने लगे हैं। उबाल आने के बाद ये पकना चालू हो जाएगी और इस पर धीरे धीरे से बुलबुले निकलने लगेंगे। बुलबुले निकलने के बाद इसमें घी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये घी मिल्क सॉलिड से सेपरेट हो रहा है। इस तरीके से करके हमें इसे लगातार चलाते रहना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा सॉलिड मिल्क नीचे तली में बैठ जाएगा और घी हमारा निकल आएगा। इसे हमें हल्का लाल होने तक पका लेना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा घी अब पूरी तरह बन चुका है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। अब मैंने एक बड़े बर्तन में इसे छान लिया है। मैंने स्टील की छन्नी ली है, इससे बहुत ही इजीली छन जाता है, कपड़े की ज़रूरत नहीं है, आप इससे भी इसे छान सकते हैं। इस तरीके से करके मैं सारा घी छान लूँगी और करीब 1 घंटे बाद मैं इसे एक जार में स्टोर कर लूँगी। तो तैयार है हमारा हेल्दी और टेस्टी घी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।